सो वेलकम यू ऑल गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है कार्ड्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर और डाइस के ऊपर। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कुछ इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। सो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, देन आई विल गो इनटू द एडवांस। सो सबसे पहले यहां पे देखते हैं हमारे पास कार्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। वी नो दैट कार्ड हैज़ गॉट 52, दिस डेक ऑफ कार्ड हैज़ गॉट 52 कार्ड्स, और इन 52 में से मेजर क्या होते हैं, यहाँ पे चार डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, देख रहे हैं चार कैटेगरीज होते हैं। पहले क्या होता है, क्लब, देन स्पेड, हार्ट्स एंड देन डायमंड्स। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि क्लब्स और स्पेड, दीज बोथ आर ब्लैक इन कलर, वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर रेड इन कलर। नाउ क्लब है, नाउ दिस क्लब कैटेगरी हैज़ गॉट 13 कार्ड्स, एंड आउट ऑफ दीज 13 कार्ड्स यू कैन सी दैट 3 आर फेस कार्ड। ओके, वी हैव गॉट 3 फेस कार्ड्स एंड द रेस्ट 10 आर द नंबर कार्ड्स। तो यहाँ पे 3 कैसे होंगे फेस कार्ड और बाकी के 10 कैसे होंगे नंबर कार्ड। एंड दिस पैटर्न विल फॉलो इन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज विच इज स्पेड, हार्ट्स एंड डायमंड। सो यू विल सी द सेम पैटर्न अमंग ऑल द कार्ड्स। सो यू कैन सी दैट दिस, वॉट इज दिस, दिस इज एस, दिस वी कॉल्ड एस। सो मैनी पीपल गेट्स कन्फ्यूज बाय दिस एंड दे काइंड ऑफ अ कंसिडर दिस एज अ फेस कार्ड, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फेस कार्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर 1 कार्ड। ओके, सो दिस इज अ नंबर कार्ड, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ नंबर कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड। सो वी हैव इन टोटल, ओके, इन दिस क्लब कैटेगरी वी हैव नंबर कार्ड्स हाउ मैनी, दिस इज गोइंग टू बी 10, एंड द फेस कार्ड इज गोइंग टू बी 3। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी में, इन दिस कैटेगरी अगेन वी हैव दिस 3 फेस कार्ड एंड 10 नंबर कार्ड्स। सो इन दैट वे इट विल कंटिन्यू। नाउ हियर आई एम गोइंग टू लिस्ट सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस 5 मिनट्स। सो फर्स्ट इज दैट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, वी नो दिस इज गोइंग टू बी 52, एंड सेकेंड थिंग इफ आई टॉक अबाउट टोटल नंबर्ड कार्ड्स, ओके, टोटल नंबर्ड कार्ड्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड प्लस 10, सो दिस इज गोइंग टू बी 40। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टोटल फेस कार्ड्स, ओके, टोटल फेस कार्ड, सो इट इज गोइंग टू बी 12, बिकॉज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और यू कैन से 3 × 4 विच इज 12। नाउ द फोर्थ थिंग इज हाउ मैनी टोटल ब्लैक कार्ड्स आर देयर। सो वी हैव दिस 13 ब्लैक कार्ड विच इज क्लब, एंड देन अगेन वी हैव 13 ब्लैक कार्ड विच इज स्पेड, सो इन टोटल दे आर गोइंग टू बी 26। एंड इफ आई टॉक अबाउट टोटल रेड कार्ड, सो टोटल रेड कार्ड इज गोइंग टू बी 26 अगेन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टोटल रेड फेस कार्ड, ओके, इफ आई टॉक अबाउट टोटल रेड फेस कार्ड देन यू कैन ईजिली फाइंड दैट दीज टू आर द रेड कार्ड्स, दीज टू सूट्स बिलोंग्स टू द रेड कैटेगरी, एंड आउट ऑफ दीज टू वी हैव गॉट 6 कार्ड एज टोटल रेड फेस कार्ड। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल ब्लैक फेस कार्ड, ओके, सो हाउ मेनी ब्लैक फेस कार्ड आर गोइंग टू बी देयर, it is going to be 6 again. So these are the few basic or you can say important points. And also remember one thing, that ace is a number card, okay, I have told you earlier this also, but just keep in mind that ace is a number card, not a face card or not any other card, it is the part of the number card. Now as you have seen that there is a joker card also, but this is kind of a complementary card, this is not going to be counted in these 52 cards. Okay, so joker is not included in these 52 cards. Now we can start looking at what kind of questions can come. So for example, if it asks how many red face card, okay, if it asks like what is the probability of red face card, okay, red face card, so you can easily find the number of red face card, which is how many, we have 6. This is the number of red face card divided by the total number of card, which is going to be 52. So you can easily found this probability, you can reduce it to the lowest term. Now if it asks about the probability of
नंबर्ड कार्ड. ओके बाय द वे जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ड्रॉइंग वन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. इट मींस अगर हम इस डेक ऑफ 52 कार्ड से कोई भी कार्ड निकालते हैं ना, इफ वी ड्रॉ एनी कार्ड, इफ वी ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन दीज 52 पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर. ओके इफ वी ड्रॉ वन कार्ड देन दीज 52 पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर. आई कैन ड्रॉ नंबर 3 कार्ड फ्रॉम स्पेड, आई कैन ड्रॉ अ जैक फ्रॉम नंबर 10, जैक फ्रॉम हार्ट्स, और आई कैन ड्रॉ अ क्वीन फ्रॉम अ डायमंड, और ऑल्सो आई कैन ड्रॉ अ किंग फ्रॉम क्लब. सो दीज 52 आर द सैम्पल स्पेस इन केस ऑफ अ deck of 52 card. So now let's move on to this question. So it is asking the probability of numbered cards. So how many numbered cards are there? So we have written it somewhere. So here it is. The total number of cards, numbered cards are 40. Okay, the cards on which the number is written. So these kind of cards are 40, and we have to divide it by the total number of cards, which is again going to be 52. So this is also a very easy one. Now if I ask the probability of red card, okay, probability of red cards, if I draw one card, okay, just keep in mind in all these cases we are drawing one card. Okay, if I draw one card, then what is the probability that I am going to find a red card in my hand? So this is going to be the numbers which are in favor of red card. Okay, kitne red card nikal ke aa rahe hain bataiye. Yahan pe humne dekha red card hai total 26. So red card is going to be 26 and divided by the total number of cards, which is going to be 52. So this is very easy to solve. Okay, you can, in this way you can solve all the questions which are given in the NCERT. So now we'll move on to the dice. As you know, there are six faces. Okay, there are six faces in a dice. So in this topic we are going to cover two subtopics which is covered in your NCERT syllabus. First, if we take the example of one dice only, okay, this is in case of only one dice, and the second one when we take two dice. So we are going to cover these two one by one. So in first part we'll consider the case of one dice. So as you know, in a game of a dice, whenever you throw a dice, there is a certain number which comes up at the top of the dice. So this number can be anything, okay, this number can be anything out of these six possibilities which I am writing here. So a number which appears at the top of this can be number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, or number 6. So these six are the sample spaces, or you can say the possibility, okay. So these six numbers can occur at the top of the dice. So if I talk about the probability, okay, if I talk about the probability of getting an even number, then you can say that 2 is an even number, 4 is an even number, 6 is also an even number. So I have got 3 cases, or you can say 3 outcomes out of 6 outcomes. Okay, 3 outcomes in favor of the even number, and there are total 6 number of outcomes. So the answer will be 1/2. Or if I ask you the probability of getting an odd number, okay, in that case it will be 3/6 again, because there are 3 numbers which are odd and the rest 3 are even. So this will be 1/2. This is the sample space in case of one dice. What happens when we throw two dice? So when you throw two dice, you are not going to get a number but a pair of number. Instead of getting a separate number, you are going to get a pair of number. For example, one may appear in this dice while three may appear on this dice. So instead of getting number one or number three, you are going to get a pair of them. Okay, you are going to get a pair of them. So what are the possibilities of all the pairs? So I am going to write it here. So this is going to be the outcome. So I'll tell you how to write these outcomes so as to avoid missing any number or missing any pair. So you have to start with 1. So first pair will be 1, 1. Okay, in this whole line, this first number should always be 1. Okay, just keep in mind this first number should always be 1. So it will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, and the next one will be 1, 6,
ओके, बिकॉज द नेक्स्ट पेयर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव अ नंबर 7 ऑन अ डाइस. ओके, 6 इज द लास्ट नंबर विच वी कैन हैव. नाउ विल इन द नेक्स्ट रो विल स्टार्ट विद द नंबर 2 एंड अगेन विद द सेम पैटर्न 1 2 3 4 5 6, देन विद द 3, देन अगेन 1 2 3 4 5 6. इन दिस वे इफ यू राइट ऑल दीज थिंग्स देन यू आर नॉट गोइंग टू मिस इवन अ वन पेयर. जस्ट रिमेंबर वेन वी थ्रू ओनली वन डाइस देन वी गॉट 6, ओके, देन वी गॉट 6 आउटकम्स, बट इन केस ऑफ 2 डाइस वी हैव गॉट इन टोटल 36 आउटकम. सो इज देयर एनी पैटर्न, लाइक इफ वी थ्रो 3 डाइसेस, सो वॉट इट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस? सो इट इज गोइंग टू बी 216. ओके, इट इज गोइंग टू बी 216. नाउ यू कैन ईजिली रिकोगनाइज द पैटर्न विच इज गोइंग ऑन हियर. इट इज 6 रेज टू द पावर 1, देन वी हैव 6 रेज टू द पावर 2. इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू बी 6 टू द पावर 3, एंड द नेक्स्ट वन इफ इट एग्जिस्ट इट इज गोइंग टू बी द 6 टू द पावर 4. सो हियर पावर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डाइस. लाइक इफ यू आर थ्रोइंग 1 डाइस देन इट विल बी 6 टू द पावर 1, इफ 2 डाइस देन 6 टू द पावर 2, इन केस ऑफ 3 डाइस इट विल बी 6 टू द पावर 3, एंड इन केस ऑफ अ 4 डाइस इट विल बी 6 टू द पावर 4. So this is going to be the pattern of total number of sample spaces. So this kind of a question can be asked in case of a competitive exams, or you can say in the Olympiads. So just keep in mind this fact. Now there is a very 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 important concept that we are going to discuss now. So just listen very carefully. So now we are going to talk about the sum of numbers that are appearing on the 2 dices. For example, if you throw these 2 dice and you are getting a number 1 top of the head of one dice and the number 3 on the other. So if you are going to add these 2, then you are going to get 1 plus 3 is 4. So this 4 is the sum of the number, okay, sum of the numbers of number which are appearing on the 2 dices. So I have listed the few possibilities, actually the all possibilities. So if you add the numbers on 2 dices, it can never be 0, because it can be 0 in case in both the dices the number is 0. It cannot be number 1, because in order to be the sum to be 1, the one dice has to be the number 1 and the other is going to be number 0. So the smallest number that you are going to get, the smallest sum actually that you are going to get is number 2. Okay, and the largest sum that you are going to get is 12, because the maximum number it can attain is 6. And the maximum number the other dice can attain is 6. So 6 plus 6 will be 12. So now we are going to have a look at the possibilities of getting number 2. Okay, or you can say the chances in which we are going to the sum to be 2. So there is only one chance in which we are going to be the sum to be 2, and it is this one. Only in this case, when the 1 appear on the first dice and the 1 appear on the second dice also, then we are going to get sum to be 2, and there is only one chance. So I'll just write it here. This is the chance and this is the sum. Okay, this is the sum and this is the chance, and the next table we are going to make about the probability. Okay, so this is the sum, chance, and then probability. So getting sum 2, there are only one chance, and getting 12, there is only one chance. Now you can see that there is a kind of a pattern going on here, and this way also. This is increasing from 1, 2, 3, 4, 5, and then attaining a maximum value of 6 at a number 7, and then again decreasing 5, 4, 3, 2, 1. So this actually telling me the chances. There are 2 chances of getting sum to be 3. Let's find if there is only 2 chances. So it can be 3 in this case. Okay, it can be 3 in this case and this case. There is no other case in this matrix, or you can say in this possibility, where you will get the number where you will get the sum to be 3. Now in case of sum to be 4, you are going to get only 3 chances. So this is the first chance, this is the second, and this is the third chance. And in case of sum to be 4, you are going to get, sorry, in case of sum to be 5, you are going to get 4 chances. So this has the sum 5, this has the sum 5, this and this one. So there are total 4 chances. Similarly, for the sum 6,
यू आर गोइंग टू गेट 5 चांसेस एंड दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 ओके एंड फॉर 7 यू आर गोइंग टू गेट 6 चांसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो यू कैन सी दैट दे आर काइंड ऑफ अ मेकिंग अ डायगनल ओके एंड फॉर द सम टू बी 8 वी आर गोइंग टू गेट 5 चांसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन फॉर द सम टू बी 9 देर आर 4 चांसेस दीज आर दोज 4 चांसेस देन फॉर 10 वी आर गोइंग टू गेट 3 सो दीज 3 विल मेक द सम टू बी 10 फॉर 11 वी आर गोइंग टू गेट 2 ओके एंड फॉर 12 देर इज ओनली 1 चांस सो यू कैन सी देर इज अ काइंड ऑफ अ डायगनल रिलेशन ओके एंड जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज when they'll ask you what is the probability of getting sum to be 2 okay they are asking what is the probability of getting sum to be 2 then the answer will be the chances in favor of it which is 1 only 1 chance in favor and total number of chances is going to be 36 because there are total 36 outcomes and they when they will ask you find the probability of the dice okay of the sum to be 3 In case of sum to be 3, you have 2 chances in favor out of 36. In case of sum to be 4, 3 chances in favor out of 36. In case of sum to be 5, 4 chances in favor out of 36. In case of sum to be 6, 5 chances in favor out of 36. In case of sum to be 7, there are 6 chances in favor out of 36. In case of 8, it will be again 5 by 36, then 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36, and this is 1 by 36. Okay, so this is going to be the probability distribution of these sum. So now we are going to study about the coin. So in this, we'll read two topics. Okay, one for the one coin and the next for the two coins. So actually this is not going to come in the examination because this is very elementary or you can say this is very easy because in case of one coin only there are only two possibilities which is it can be either head okay when you'll throw a coin okay when you throw a coin so either head can appear or a tail can appear okay but in case of two coin actually we'll consider the third case also three coin third coin okay in case of three coin So in case of two coin, it is going to be either head-head on both the coins or head-tail or tail-head or tail-tail. Okay, 1 minute. Or you are going to get tail and tail. So just remember that these two cases are very different. Okay, why they are different? Because in this case, the head is coming on the first coin while the tail is coming on the second coin. But this is opposite to this case. Why? Because in this case, the tail is coming on the first coin while the head is appearing on the second coin. Okay, so these are going to be the four cases. So, okay, just have a look at these things. We are going to get two possibilities in this case, four possibility. Okay, just have a look at the number because I am going to establish a kind of a relation between them. So, in case of three coins. Either you are going to get all head, okay? Either you are going to get all head. And by the way, I'll tell you the way in which you should be writing so as to avoid missing any number, okay? So first of all, we took three head and we have got this possibility. Now we'll do the same by taking two head and one tail. So with two head and one tail, this could be the possibility. Where the two head are at the first two positions and the tail is at the third position. Next will be head, tail, head. You have to just keep rotating this tail, okay? Yeah, I'm rotating this tail. I'm placing it here. And in the next case, I'll place the tail to be here. So in the next case, it will be tail, head, head. So this is going to be the three possibility in case of if I take two head and one tail. And by the way, this is three head. Okay, now we'll proceed further. Okay, in case if we take one head okay in case if we take one head and two tail so what are the possibility we are going to get so first of all I'll write head then two tails
एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल रोटेट दिस हेड, आई विल राइट इट टू बी टेल, देन हेड विल कम इन द मिडिल एंड देन विल बी टेल, एंड इन द नेक्स्ट केस द हेड विल कम एट द कॉर्नर, सो इट विल बी टेल, टेल एंड हेड. सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी थ्री मोर पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज अबाउट वेन वी आर गोइंग टू हेड ऑल द टेल, सो दिस विल बी टेल, टेल एंड टेल. सो देर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8. सो जस्ट रिमेंबर इन दैट केस वी गॉट 2, इन दिस केस वी हैव 4 एंड इन द नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू गेट 8. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन, और यू कैन से द काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज नंबर्स. सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट केस वी आर गेटिंग नंबर 2, देन 4. ओके, इफ आई कैन से दिस वे, इन केस इफ यू थ्रो 1 कॉइन यू आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटीज, इन केस यू थ्रो 2 कॉइन यू आर गेटिंग 4 पॉसिबिलिटी, इन केस ऑफ 3 कॉइन्स वी हैव गॉट 8 पॉसिबिलिटीज, वट इफ वी थ्रो 4 कॉइन्स, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट 2 टू द पावर 4 विच इज 16 पॉसिबिलिटीज. वाई इज इट सो? बिकॉज दिस इज बिकमिंग 2 टू द पावर 1, वेयर 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉइन. हियर दिस इज 2 टू द पावर 2, वेयर 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉइन अगेन, एंड इन दिस केस 2 raised to the power 3, देन वी हैव 2 raised to the power 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16. एंड वॉट इफ देर आर 5 कॉइन? सो इन दैट केस इट विल बी 32, विच इज 2 raised to the power 5. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो. नाउ ई कैन आस्क यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल. सो एज यू कैन सी देर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन केस वी हैव गॉट 2 हेड्स एंड 1 टेल. बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. सो इन दैट केस देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, और यू कैन सी 3 चांसेस इन फेवर ऑफ दिस आउट ऑफ 8 चांसेस. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8. सो इन दिस वे ही कैन आस्क यू एनीथिंग, एंड देर आर सेवरल नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन इन द एनसीईआरटी रिलेटिंग टू दिस ऑल्सो. एंड बाय द वे, दिस इज द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मोर देन 3 कॉइन्स, बिकॉज दिस इज वॉट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी सिलेबस. सो जस्ट स्ट्रेन योरसेल्फ टू 3 कॉइन्स. बट इफ एनी एग्जाम आस्क यू अबाउट 4 or 5 कॉइन, सो यू विल बी एबल टू आंसर देम ऑल्सो वेरी क्लियरली. वंस यू विल गेट थ्रू देम, ओके, देन यू विल बी एबल टू आंसर देम ऑल्सो. So very much thank you guys for watching this. Have a nice day. Goodbye.